हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, हम भी बहुत अच्छे से हैं। तो जी, आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, तो सुबह सुबह सब नहा धो लिए, पूजा कर लिया और जल चढ़ा के आ गए हैं। बच्चे भी और मैंने भी जल चढ़ा दिया, मैंने घर पर ही जल चढ़ाया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मखाने और मूँगफली। फ्रेंड, सबका व्रत है आज चारों का, तो ये मखाने और मूंगफली कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। सुबह सुबह मैंने कुछ फल मंगाए थे और मैंने सब धो के रख दिए हैं। तो आम मंगाए थे, सारे धो दिए हैं मैंने। खीरा है, केले हैं, टमाटर, नींबू, धनिया भी मैंने इवन काट के धो के रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, मैंने ये भी साफ़ करके रख दिया है। पुदीना और आलू मंगाए थे कुछ, तो सुबह सुबह सब्जियाँ मंगा ली थी। सुबह सुबह ये है ना कि धो के रख दिए मैंने, फिर इसके बाद मैं फ्रिज में इनको रख दूँगी। या वैसे ज़्यादातर ना धो के ही रखनी चाहिए फ्रिज में, कभी भी बिना धोए नहीं रखनी चाहिए। तो जितनी भी सब्ज़ियाँ आती हैं ना, मैं उसी समय इनको वॉश कर देती हूँ और इनको ऐसी स्टेनर में रख देती हूँ, जिससे कि पानी वगैरह जो है वो निकल जाए इनका। और उसके बाद फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी ले जा कर के। और अभी चाय के साथ मखाने बना रही हूँ और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। चाय बन गई, वो जल चढ़ाने गया हुआ है। ये चाय बन गई है और इतनी गर्मी है ना, थोड़ा सा ही काम करा है आज, पर थोड़ा सा नहीं करा, काफ़ी ज़्यादा काम करा है। क्योंकि काम वाली गई हुई है 15 दिन के लिए अपने गांव, और अचानक से चली गई, बताया भी नहीं, ठीक है। मैंने फ़ोन करा, फिर उसने बताया कि उसको कोई इमरजेंसी है तो गाँव जा रही है और 15 दिन में आएगी वापस। तो सुबह सुबह झाड़ू पोछा वगैरह, सारी सफाई वगैरह और बर्तन वगैरह धोए हैं, सब्जियां साफ़ करी हैं, फ्रूट साफ़ करें, और उसके बाद फिर ये मखाने और चाय ये सब बनाया, नहाए धोए हैं, पूजा करी है। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हस्बैंड ने भी और बच्चों ने भी बहुत हेल्प करी है सुबह से, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है काम में, तो सारा काम निपट गया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, मैंने रात को बादाम और अखरोट भी भिगो दिए थे, तो ये हो गए हैं। अब ये बादाम जो है वो छील के रख देती हूँ सबके लिए, खा लेंगे बादाम वगैरह। तो चाय ना, चाय से पहले बादाम ही खाएंगे, क्योंकि चाय नुकसान नहीं देगी फिर। और एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर किसी को भी चाय बहुत ज़्यादा नुकसान देती है ना, एसिडिटी होती है, तो पहले तो सुबह सुबह का एक नियम होना चाहिए कि सुबह सुबह 2 गिलास गर्म पानी ज़रूर पियो उठते ही। गर्म पानी पीने के बाद, चाय से पहले, नहाने धोने के बाद चाय से पहले कुछ भीगे हुए बादाम वगैरह जो आपने भिगोए हैं रात में, वो खा लो और उसके बाद चाय पियो, तो चाय इतनी नुकसान नहीं देगी। लेकिन अगर आप खाली पेट, जब तक कि आपने पानी भी नहीं पिया है और बिल्कुल आप बैड टी लेते हो, जैसे कहते हैं ना बैड टी, बेड पे बैठ करके जो टी पीते हैं वो बहुत नुकसानदायक होती है। तो सुबह सुबह खाली पेट, जिसमें कि आपने पानी वानी कुछ नहीं पिया है, पानी ज़रूर पीना चाहिए, गर्म पानी सुबह सुबह उठ करके, बहुत अच्छा होता है वो। और मेरे को तो वैसे ही पेट में ना काफ़ी तकलीफ़ रहती है, तो मैं तो गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ सुबह उठ करके। तो जी चलिए, व्रत में हम अपना नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो जी, शाम के बजे हुए हैं 6 और मैं इस समय व्रत का खाना बना रही हूँ। तो चलिए, व्रत के खाने में मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या बना रही हूँ मैं। तो मैं बना रही हूँ साबूदाने के वड़े, या उसको आप टिक्की भी कह सकते हो, ठीक है। चटनी मैंने बना के रख दी है और साथ में बना रही हूँ मखाने की खीर और खीरे का रायता, ठीक है दोस्तों। और अगर आलू थोड़े बहुत बच गए तो बनाऊंगी मैं वो आलू की चाट। हाँ, आलू की चाट के लिए मैंने आलू तो काट लिए हैं, देख लीजिए, तो मैंने कट करके रख लिए हैं। लेकिन अगर कम पड़े तो साबूदाना वड़ा ही बना दूंगी। और यहाँ पर देखिए, दूध को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है मखाने की खीर के लिए, और इसमें मैंने डाली है हरी इलायची, इलायची कूट के डाल दिया, और केसर डाल रखा है मैंने। तो गाढ़ा करेंगे बिल्कुल दूध को, जैसे कि रबड़ी का दूध होता है ना, उस तरीके से इसको गाढ़ा करेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने मखाने 1 चम्मच घी में इनको रोस्ट कर लिया था और इनको पीस लिया मिक्सी में, थोड़ा दरदरा सा पीसा है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने कुछ काजू और बादाम लिए हैं, इनको भी मैंने घी में रोस्ट कर लिया है। तो ये बाद में डालेंगे, जब हमारा ये दूध गाढ़ा हो जाएगा ना, उसके बाद इसके अंदर ये सारा डालेंगे, मखाने और काजू और बादाम लास्ट में डालेंगे। तो इसको खूब गाढ़ा करेंगे, तभी टेस्ट आएगा मखाने की खीर का। एक बार मैंने मतलब गाढ़ा नहीं किया था ना दूध, जल्दबाजी थी उस दिन, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था, तो इतना टेस्ट नहीं आया। लेकिन अभी मेरे पास टाइम है तो मैं इसको गाढ़ा करूँगी बिल्कुल।
और चलिए सबसे पहले ना रायता बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया रायते के लिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दही को। और मैं बना रही हूँ खीरे का रायता, जिसके लिए कि मैंने खीरे कस लिए हैं कद्दूकस में। तो गाढ़ा गाढ़ा रायता बनाएंगे, मतलब ऐसा पतला वाला रायता नहीं बना रही, एकदम गाढ़ा रायता बना रही हूँ। मैंने बच्चों से पूछा था कि सिंपल दही लोगे या खीरे का रायता खाओगे, तो बच्चे बोले खीरे का रायता खाएंगे। तो खाना जब ये बड़े वगैरह खा लेंगे ना, तब इनको खीर दे दूँगी, और साथ में लेना चाहेंगे तो साथ में दे दूँगी, क्योंकि व्रत में कहते हैं ना कि जितना भी खाओ एक बार बैठ करके खाओ, फिर बाद में नहीं खाना चाहिए। तो और इसलिए इतना सब कुछ बना रही हूँ क्योंकि बच्चों का फास्ट है, और आप लोग तो समझते ही होंगे कि बच्चे क्योंकि स्टडी वगैरह भी करते हैं और इधर उधर भी जाते हैं, तो बच्चों को एक सही डाइट चाहिए होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले मैं सोच रही थी कि केवल फ्रूट चाट बना लूँगी और आलू बना लूँगी दही के साथ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, क्योंकि दोनों भाइयों ने बीच में कुछ भी नहीं खाया, सुबह केवल मखाने और मूंगफली खाए थे और थोड़े से ड्राई फ्रूट जो कि मैंने आपको दिखाया था, और उसके बाद दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं खाया है। छोटे वाले ने और मैंने बस चाय पी थी और एक एक केला खाया था, बड़े वाले ने तो कुछ नहीं खाया सुबह से। तो अब उसको थोड़ा सा अच्छा खाना मिल जाएगा खाने के लिए। और यहाँ पर देखिए, अब मैं ये खीरे जो कस रखे थे ये डाल रही हूँ और इसका पानी भी डाल रही हूँ, ठीक है, इसी में ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। और हमारे यहाँ केवल सेंधा नमक और काली मिर्ची खाते हैं मसालों में व्रत वाले दिन। कई लोग तो जैसे कि लाल मिर्च वगैरह भी खा लेते हैं, जीरा भी खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ केवल काली मिर्च और सेंधा नमक। ये सेंधा नमक है, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ इसमें मैं, और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च। ये हमारा रायता तैयार हो चुका है, देखिए कितना इजी है बनाना, तो और हेल्दी भी है, सबसे बड़ी बात ये है। और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ धनिया, आप चाहो तो इसमें हरी मिर्च वगैरह भी डाल सकते हो, पर क्योंकि मैंने चटनी में काफ़ी सारी हरी मिर्चें डाली हैं तो इसलिए मैं रायते में नहीं डाल रही हरी मिर्च। ठीक है, तो यहाँ पर रायते को थोड़ा सा एक बार और चला देंगे अच्छे से, और इसको ढक के रख देंगे। नमक कम लगेगा तो ऊपर से और मिला लेगा जिसको चाहिए होगा, मैंने अपने हिसाब से सही मिलाया है। तो जी ये देखिए, आलू उबाल के मैंने रख लिए थे, मैंने ना सारी तैयारी पहले ही कर ली थी जिससे कि मेरे को दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ में, क्योंकि तैयारी कर लो ना तो जल्दी से फिर खाना बन जाता है, देर नहीं लगती। तो यहाँ पर मैंने कुछ आलू उबाले थे तो इनको मैश कर लेते हैं, ये परात ले लिए मैंने, इसमें मैश कर लेंगे। तो जी देखिए, आलू मैश हो चुके हैं, ठीक है, अब इसके अंदर मिलाएंगे साबूदाना। साबूदाना भी मैंने भिगो के रख दिया था सुबह में ही, ठीक है, चाय वाय पीने के बाद में साबूदाना भिगो दिया था, और ये थोड़ा सा साबूदाना और ये भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी टिक्की बनती है, टिक्की वड़ा जो भी है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं मिला रही हूँ नमक, ठीक है, नमक पूरा एक चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा है, और आधी चम्मच के करीब काली मिर्च थोड़ी सी और डाल देते हैं, और मिलाएंगे धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें मिला रही हूँ, ज़्यादा नहीं मिला रही, थोड़ी सी मिला रही हूँ, ठीक है। अब इसको हाथ से करेंगे जिससे कि इसके जो सारे मसाले हैं ना, हमारी काली मिर्च हो गई, जैसे नमक हो गया, सब कुछ इसके अंदर अच्छे से मिल जाए, और ये भी थोड़ा सा मैश हो जाएगा ना साबूदाना, तो और भी बढ़िया वड़े बनेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है बिल्कुल, और मेरे को लग रहा है कि हो सकता है नमक थोड़ा सा कम रहे, तो मैं थोड़ा सा लास्ट में और डालूँगी नमक, थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, फिर बाद में, क्योंकि बच्चे बताएंगे खा करके जैसा भी होएगा, और थोड़ी सी काली मिर्च, और काली मिर्च इतनी अच्छी होती है ना दोस्तों, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, अगर इसको आप रेगुलर अपने खाने में ऐड कर लेंगे ना काली मिर्च को, तो बहुत अच्छी है सेहत के लिए। काली मिर्च, अदरक, ये बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए। तो जी देखिए, यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है टिक्की बनाने के लिए, ठीक है, एक कटोरी देसी घी निकाल लिया है,
तो थोड़ा सा तवे पे मैं डाल दूँगी देसी घी इस तरीके से, नहीं तवा चिकना हो जाएगा ना तो टिक्कियाँ ईजीली आराम से बनेंगी, फिर चिपकेगी नहीं कोई भी टिक्की। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, व्रत वाला, व्रत का जो तेल होता है ना मूंगफली का तेल, वो डाल रखा है। और इसमें मैं ये जो आलू है ना ये फ्राई करूँगी आलू चाट के लिए, तो आलू डाल देते हैं इसके अंदर। भोलेनाथ को खीर बहुत पसंद है ना, तो इसलिए मैंने मीठे में खीर बनाई है, लेकिन मैंने मखाने की खीर बनाई है भोलेनाथ के लिए। और कहते हैं ना भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं और अपने भक्तों के मन के भाव को जानते हैं, ठीक है। अगर मन में श्रद्धा और भक्ति है ना तो आप जो चाहे वो आपको मिलेगा, बशर्ते किसी का बुरा मत कीजिए, किसी का मन मत दुखाइए, और क्या कहूँ, और अच्छे कर्म करते रहिए, बस यही कहूँगी, ठीक है। और इधर उधर की चुगलियाँ ये सब मत कीजिए किसी के भी बारे में, क्योंकि जब कोई भी इधर उधर की चुगलियाँ करता है ना वो भी गलत कर्म होता है एक तरीके से। अब इसकी हम टिक्की सी बनाएंगे, टिक्की टाइप इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ये देखो। और इसकी शेप आप छोटी भी कर सकते हैं बड़ी भी कर सकते हैं, तो मैं इसको ये शेप दे रही हूँ। और इसको चाहो ना आप तो आप इसको वड़े की तरह इसको फ्राई भी कर सकते हो, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसको फ्राई ना करके ऐसे ही बनाऊँ, जिससे कि क्योंकि फ्राई चीज़ ना डाइजेस्ट करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो देखते हैं अब जैसे भी होता है। कुछ तो इसमें बनाऊँगी मैं तवे पे, और कुछ आलू की चाट बनाने के बाद उसमें बना लूँगी, क्योंकि दोनों में बनती रहेगी तो जल्दी बन जाएगी। तो 5-6 टिक्कियाँ बना करके अब मैं तवे पे छोड़ दूँगी, ठीक है, क्योंकि इतनी देर में दूध भी गाढ़ा हो चुका है, फिर जो हमारा खीर का जो आगे का काम है ना वो करेंगे। तो देखिए दोस्तों दूध गाढ़ा हो गया है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो सोच रही हूँ और गाढ़ा ना करूँ इसको। इसमें ये डाल देती हूँ मखाने, क्योंकि मखाने के बाद भी थोड़ी देर इसको गाढ़ा करना पड़ेगा, तो इसलिए अब इसके अंदर ये मखाने डाल रही हूँ। और जो बादाम और काजू है ना वो लास्ट में डालूँगी, ठीक है, क्रंची क्रंची अच्छे लगेंगे। तो इसको अभी थोड़ी देर पकाएंगे मखाने डालने के बाद में, और बहुत ही टेस्टी लगती है खीर और हेल्दी भी होती है। आप चाहो तो इसको मतलब कि जब आपका मन करे बना के खा सकते हो, लाइट है और हेल्दी है। तो जी देखिए अब 2 मिनट ये मखाने डाले हुए हो गए हैं मेरे को, और मखाने भी अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये ड्राई फ्रूट, ठीक है, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये ना ठंडी होगी तो गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चीनी डाल रही हूँ अब इसके अंदर, तो चीनी 1 चम्मच, क्योंकि कमी अच्छी लगती है, 3 से थोड़ी कम डाली है, ठीक है, 3.25 के करीब डाली होगी, तो इतनी चीनी अच्छी लगती है इसके अंदर, ज़्यादा चीनी अच्छी नहीं लगती, और ज़्यादा चीनी तो हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं होती, तो इसीलिए चीनी ज़्यादा डल जाएगी तो इसका जो गुण है ना खीर के वो ख़त्म हो जाएंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट वगैरह डाले हैं, तो इसलिए कम चीनी डालिए, 3.25 के करीब चीनी डालिए इसमें, 3.25 चम्मच के करीब, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे, और ये फुल क्रीम का दूध था जिसकी कि मैंने खीर बनाई है। तो जी चटनी बना रखी है मैंने, धनिए पुदीने और अदरक है इसमें, 4-5 हरी मिर्चें डाली हैं मैंने, टमाटर डाले हैं 3, ठीक है, और नमक डाला है सेंधा नमक। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नींबू, नींबू से जो इसका स्वाद है ना वो और बढ़ जाएगा, तो आधा ही नींबू मिला रही हूँ इसके अंदर मैं। टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं ज़्यादातर, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए और बढ़िया टिक्की बनी है। और यहाँ पर आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो जी चलिए आलू की चाट बना लेते हैं। तो ये जो फ्राई किए हुए आलू हैं इसके अंदर डाल लेते हैं, और थोड़े से ही आलू डाल रही हूँ मैं, अभी थोड़ी सी चाट बना रही हूँ। इसके अंदर डालेंगे हम धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर नमक, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर जाएगा ये आधा नींबू, और बहुत ही टेस्टी लगती है, मार्केट में खाई होगी आपने, वो तो मसाले वगैरह मिलाते हैं, ये व्रत की है, ठीक है। तो अब इसके अंदर डालेंगे हम ये जो अपने हमने घर पे चटनी बनाई है ना, ये डाल देंगे इसके अंदर। तो जी इसका ढक्कन लगा करके इसको मिक्स कर लेते हैं,
तो ये देखिए कितनी बढ़िया आलू की चाट बन चुकी है। इसके अंदर आप चाहो तो अनार के दाने और कोई फ्रूट भी मिला के ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप भोग के लिए थाली लगा लेते हैं। तो जी चलिए आज की आपको सोमवार की व्रत की थाली दिखा देते हैं। तो ये है हमारी व्रत की थाली, और थाली में देखिए खीर है, खीरे का रायता है, आलू की चाट है, और टिक्की है, और चटनी है, साबूदाने और आलू की टिक्की है, और पुदीने और धनिया की चटनी है। तो ये हमारी व्रत की थाली है। तो चलिए भगवान जी का भोग लगा देते हैं। तो जी दोस्तों, भोग का खाना बन चुका है, व्रत का खाना। तो अब मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ, व्रत खोल लेंगे बच्चे क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। लो खाना खा लो, तेरी तो खीर भी ले आई हूँ मन्नी, थोड़ी सी मैं बाद में खाएगी। तो यही फ्रिज में नहीं रख रही, मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी ये, हाँ यहीं पे रखूँगी, ठीक है ना। खा लो अब, चलो दोनों भाई का खाना रख दिया है, बच्चे खाना खा लेंगे, अपना व्रत खोल लेंगे, और उसके बाद फिर मैं व्रत खोलूँगी खाना जब सारा बन जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, थोड़ी देर मौसम ऐसा हुआ था बारिश जैसा, लेकिन बारिश नहीं हुई, बस बादल से छाए थे हमारे यहाँ पे। तो और वैसे दूसरी जगह पे तो बारिश हो रही है, लेकिन हमारे एरिया में बारिश नहीं हो रही है। खा ले बेटे। तो जी आज है मंगलवार, और यहाँ पे मैंने खाना बना दिया है। ठीक है, खाने में मैंने नाश्ते के लिए, नाश्ता कह लो खाना कह लो, आजकल ऐसा ही हो रहा है, दोपहर को कोई नहीं खाता, नाश्ते में ही खाना हो जाता है हमारा। तो पराठे बनाए बच्चों के लिए, और रोटी बनाई है हस्बैंड के लिए और अपने लिए, और देखिए सब्जी क्या बनाई है मैंने, सब्जी बनाई है मैंने आलू गोभी और मटर, इसमें धनिया डाल देती हूँ। और हस्बैंड कर रहे हैं इस समय पूजा, उसके बाद फिर मैं भी पूजा करूँगी और फिर नाश्ता करेंगे। तो नाश्ते पे मिलेंगे आप लोगों से। तो सब्जी बन के तैयार है, आलू गोभी और मटर की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है, अच्छी सब्जी बनी है, आपको देख के ही लग रहा होगा। तो अभी बस चाय बनने के लिए रख देंगे, और इतनी देर में मैं पूजा वगैरह करूँगी। फिर बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी। बर्तन वगैरह ना अभी सारे धो दूँगी जो भी हैं, फिर ना एक बार नाश्ता वगैरह कर लो ना, खाना खाने बैठ जाओ फिर उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए पहले ही ये किचन वगैरह साफ़ करके उसके बाद ही नाश्ता होगा, चाय बननी रख देंगे। लो भाई नाश्ता कर लो, एक ही प्लेट में डाल दिया तेरे पापा ने तो सब्जी, एक ही प्लेट। तो जी फ्रेंड्स ये है हमारा नाश्ता, ठीक है, चाय है, आलू गोभी की सब्जी है, पराठे रोटी। नाश्ता क्या है, खाना ही है, क्योंकि ये ड्यूटी पे चले जाएंगे, हाँ ब्रंच ही है, ठीक है, क्योंकि ये ड्यूटी पे चले जाएंगे अभी 1:15 बजे के करीब। तो अभी क्या टाइम हो रहा है, 10 बज चुके हैं पूरे। पूजा वगैरह करी है, नहाए धोए हैं, सफाई करी है काम वाली, क्योंकि 15 दिन के लिए गई हुई है अपने गांव, तो टाइम लग जाता है। तो जी फ्रेंड्स हम नाश्ता करते हैं, और व्लॉग का मैं एंड करना, कल मैं एंड नहीं कर पाई थी व्लॉग का, तो आज मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सब अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें।